ये डल है, ये पियानो है। तो ये देख सकते हैं, ये अपनी मैट फिनिश में आती थी ये ग्रिल। लुक काफी अच्छा हो गया गाड़ी का फ्रंट से। क्रोम लाइन ओके, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये रहा टॉप मॉडल, मेरा अपना टॉप मॉडल वाला और अपना Z4 वाला। ओके, तो इसका ऑन ऑफ कर रहे हैं, अपना सीक्वेंशियल इंडिकेटर देख के पता लग जाता है। ओके, और प्रोजेक्टर भी है इसमें। ओके, साइड प्रोफाइल की बात करें, अलॉयज देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये अपना पियानो हो गया, ये टॉप मॉडल की हो गया। ओके, ये टॉप मॉडल की हो गया, लीवर टॉप मॉडल हो गया। मैट की क्वालिटी देख सकते हैं। तो आज हम आए थे जय ऑटो रामा रोड। तो अपने साथ सोनू भाई है, और सोनू भाई क्या दिखा रहे हो आज? दिखा रहे हैं स्कॉर्पियो एन। ओके, स्कॉर्पियो एन, कौन सा वेरिएंट है अपना आज का? Z4 डीजल ऑटोमेटिक। ओके, तो आज इसमें क्या क्या कर रहे हैं हम? इसमें वैसा सबसे पहले वही हमारी हेडलाइट और ये टॉप मॉडल वाली। ओके, हेडलैम्प्स अभी हमने चेंज कर दिए, वो नीचे फॉग लैम्प, फॉग लाइट डीआरएल, नीचे स्किड प्लेट देखो ये कर दिए, ये सिल्वर कर दिया। और यहाँ पे गैस करना क्या होने वाला है वो अभी तक किसी ने नहीं दिखाया, ये आज तक हुआ ही नहीं होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट आया ही नहीं होगा। फर्स्ट टाइम इन इंडिया करा भाई साहब ने। ओके, तो दिखा दें अभी क्या हो रहा है अंदर। बस काम चल रहा है, अंदर दिखा देते हैं गाड़ी। ओके, जो इसकी ग्रिल आती है अभी दिखा देते हैं। अभी एलॉयज इंस्टॉल हो चुके हैं इसके अंदर, ये अभी टॉप मॉडल इंस्टॉल हो चुके हैं, इन्होंने टायर चेंज करा है, ब्रिजस्टोन के टायर लगवाए इसके अंदर, कंपनी भी देती है, कंपनी भी देती है। ओके, ये अपनी तरफ से ब्रिजस्टोन लगवाया, कंपनी तो एमआरएफ देती है सस्ते वाले। जो आ गया फर्स्ट टाइम इंडिया, दिखाओ कुछ अलग चीज, दिखाओ दिखाओ, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये पियानो ब्लैक। अरे भैया के भैया की पसंद है। ओके, ग्रिल ये अभी तक आपने देखी नहीं होगी, ये वाली ग्रिल, ये लगने का पता क्या होगा लोग, एक तरीके से 127 लग्जरी वाली जो फील आता है वो आ गया। ओके, ये पियानो फिनिश हो गया, ये साटन फिनिश हो गया। हाँ, ओके, तो इसमें चामुंडा भैया रिप्लेसमेंट होता है क्या होता है, या पूरी ग्रिल चेंज करनी पड़ती है? इसको पियानो हाइड्रो डिपिंग करवाया है। ओके, पियानो हाइड्रो डिप करवाया हमने पूरी ग्रिल। पहले ये डल में था, डल फिनिश में था ये। ओके, अब इसको पियानो ब्लैक में, ये डल है, ये डल है, ये पियानो ब्लैक है, ये पार्ट अंदर चला जाएगा अपना, ये पूरा पियानो ब्लैक में नजर आएगा, हाइड हो जाएगा, अब ढकने के बाद इसको अलग ही चमक नजर आएगी। ओके, तो इसमें काफी लगने के बाद देखते हैं कैसा लग रहा है। ओके, लगने के बाद लुक देखते हैं इसका कैसा लग रहा है। बाकी रहने की अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे बेजल भी इसकी पियानो ब्लैक है, ये भी पियानो, वो भी पियानो, और ये देखो ना सिल्वर, और नीचे भी सिल्वर, सिल्वर हो गया। कुछ चीज निकाली भाई साहब ने अपनी गाड़ी के लिए, आज कुछ अलग ही करके दिखा रहे हो। हां, ओके, और इसमें क्या क्या काम हो रहा है? फॉग लाइट हो गया, हेडलैम्प्स हो गए, इसके अंदर वायरिंग इक्विपमेंट देख सकते हो आप, ये हमारा फ्यूज बॉक्स है। ओके, ये पूरी वायरिंग देख सकते हो आप। ओके, वायरिंग प्रॉपर हमने करी, ये नहीं कोई मैस कर दिया हो वायरिंग का। साइड मिरर आज यही रहने वाला है, कोई साइड मिरर चेंज नहीं करा, अपने पास अवेलेबल है। और एक चीज और दिखाता हूँ, क्रोम लाइनर। ओके, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, साथ में नीचे की फ्रंट एंड बैक दोनों चेंज करा है, बिल्कुल, बाहर भी पियानो, अंदर भी पियानो, और इधर देखो साइड भी पियानो, ये पियानो, ये भी लग्जरी में भी नहीं आता है ना, ये नहीं आता, ये लग्जरी में नहीं आता, ये पियानो, ये नहीं आता कभी। ओके, ये भी चेंज करा। हां, ओके, तो एक वाइजर लगा, अभी मैं दिखाता हूं, पूरी कवर करता हूं। ओके, अभी जो जो लग गया वो दिखा देते हैं, फाइनल होने के बाद में दिखाता हूं। ओके, दिखाएंगे हम पूरी कंप्लीट हो जाए, एक बार पैक हो जाए अपनी गाड़ी। तो सोनू भाई क्या खोज रहे हो ऊपर? देखो ये रूफ रखा चाहिए। हेलो सोनू भाई, इतना मत चौंको, आपने खुद खुलवाया होगी। टॉप मॉडल का डालने के लिए खुद खुलवाया, कह रहे कहाँ चला गया। ओके, रूफ रेल इंस्टॉल हो रही है इसमें। हाँ, टॉप मॉडल वही रूफ रेल। तो सोनू भाई लगा रहे हैं क्या? ये बात मत पूछो कि सोनू भाई नहीं लगा पाएंगे, सोनू भाई भी हाथों का कारीगर रह चुके हैं, फुल कारीगर। ओके, तो हमारे बम्पर लगवा लो, फुटर लगवा लो, कैरियर लगवा लो, जो ऑटो हमारा पहले भी नाम चलता था फोटोस का ऑटो बना। ओके, सोनू भाई आप थोड़ा रेस्ट में आजकल हैं। तो उस साइड की अपनी लग गई है रूफ रेल? नहीं, उस साइड सारी लगी हुई है। ओके, ये लग रही है साइड, ये आगे टॉप मॉडल वाले, ये रहा टॉप मॉडल वाला, लॉन्ग रख के दिखाता हूं। आ जाओ, तो ये रहा अपना टॉप मॉडल वाला और अपना
रेड फोर वाला। ओके okay. ये देख सकते हैं ये ब्लैक आती है, वो सिल्वर है। है कोई फर्क? बहुत फर्क है, बाहर से तो टोटली बदल गया। कॉम्बिनेशन जेड फोर में ही है, नीचे भी सिल्वर ऊपर भी सिल्वर। जेड फोर में जेड एट में देखा है ना, ऊपर दे दिया सिल्वर नीचे ब्लैक, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है वो। ओके okay, तो इसे आप चामुंडा भैया ने असली जेड एट बना दिया। थोड़ा सा और टाइम दो। ओके थोड़ा सा और टाइम दो। ओके तो अभी लग रहा है अपना वो शिल्पा शेट्टी नहीं कहती है सुपर से भी ऊपर, ये लग्जरी से भी ऊपर है। ओके वो देख सकते हैं ऊपर सोनू भाई चढ़ के लगा रहे हैं। सोनू भाई सही से लगाना, मजा आ रहा काम करने में। सही से गिर मत जाना सोनू भाई, थोड़ा सा पकड़ के करेंगे आपको। सो फाइनली अपनी स्कॉर्पियन कंप्लीट हो चुकी है, हो गई। अब दिखाते हैं एक बार सोनू भाई हो गई या अभी भी बच रहा है आपका काम। ओके सोनू भाई काम कर दिया ना पूरा, पूरा काम कर दिया, देखने वाले देखते रह जाएंगे। ये कुछ कॉपी लग रहा मुझे आपका बोलना, वो गजब ही कराई है। तो ये देख सकते हैं ये अपनी मैट फिनिश में आती थी ये ग्रिल, ये देख लेना महिंद्रा भी आने वाली गाड़ी में। ये ना का फोन आया था मेरे पास अभी। अच्छा ये क्या करवाया? ये आने वाली गाड़ी में जैसे मैंने वो फ्रेम दिखाया था ना क्लासिक में, हम पहले करते थे क्लासिक में आने लग गया, तो वे भी आने वाली गाड़ी में देख लेना, जरूर आने वाला टाइम में देख लेना, ये करके देगा मैं ग्रिल भी करके देंगे पियानो ब्लैक में। इसके बाद लुक काफी अच्छा हो गया गाड़ी का फ्रंट से, और इसमें इसमें हमने फॉग लैंप इंस्टॉल कर दिए। ओके विद डीआरएम और इन्होंने नॉर्मल पार्किंग से नहीं किया, कॉम्बिनेशन से ऑन किया। ओके तो इसका ऑन ऑफ दिखाते हैं एक बार। ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ये प्रॉपर हो रहा है, ये नहीं कि पार्किंग से कराओ। ओके और हेडलैम्प भी चेंज है टोटली। ओके हेडलैम्प देख सकते हैं अपना प्रोजेक्टर वाला इंस्टॉल हो गया, अपना सीक्वेंशियल इंडिकेटर देख के पता लग जाता है। ओके और प्रोजेक्टर भी है इसमें। हाँ ओके तो अपना जो Z4 में आता था नॉर्मल था। हाँ नॉर्मल था, उसमें हैलोजन ही था। हाँ तो अभी हम अंधेरे में आ गए हैं कि अंदर ज्यादा लाइट थी है सोनू भाई। तो भाई इसको हम दिखाते हैं इसकी लाइट परफॉर्मेंस दिखाते हैं जो अपनी टॉप मॉडल वाली हेडलैम्प्स है। बहुत जबरदस्त है यार ये तो। अभी भैया राउंड लेके आए कैसी थी? बहुत जबरदस्त। अच्छा मतलब पहले के कंपेयर में अब फर्क है बहुत जबरदस्त। ओके एक बार हेडलैम्प्स जलाते हैं, एक बार चलाना बिल्कुल चला के दिखाओ, एक बार हेडलैम्प्स जलाना। तो ये हेडलैम्प्स अभी हमने जला दिए, तो फ्रंट में थोड़ी लाइट है तो इतना दिखेगा नहीं। तो अभी हमारे प्रोजेक्टर ऑन है। ओके फ्रंट में देख सकते हैं लाइट का, एक बार डिपर मारना, डिपर मारना भाई साहब, ये देख सकते हैं डिपर अभी फुल रोशनी है जब ये है। ओके अभी लाइट काफी है तो इतना दिख रहा है, ये भूत वाली गली होती तो पता चलता कि क्या रोशनी है इसकी, भूत नहीं गायब हो जाती, गायब हो जाती। ओके तो ये अपना लाइट का सेटअप है, बाकी फ्रंट से देख सकते हैं गाड़ी कैसी लग रही है अपनी, और साइड प्रोफाइल भी देख सकते हैं। ओके साइड प्रोफाइल की बात करें अलॉयज देख सकते हैं, अलॉयज हमने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाए थे 18 इंच जबरदस्त। बस एक चीज की साइड प्रोफाइल से कमी रह गई, गैस करो क्या, यहाँ से तो अब चलेगा लेकिन ये भी और भी हम रह गया। ये कोई बात नहीं, इसमें पता नहीं चलता, बाहर से देख के पता नहीं चलता है। ओके बाहर से देख के नहीं पता चलता है, जो लग्जरी में है वो फोर में सेम दिखता है। ओके बस फोल्डिंग नहीं है इसमें, ये मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि ये एक साइड पे क्रोम हो गया ना तो ये सफिशिएंट है, हमारे पास सब चीज है, पूरा गोल गोल क्रोम हो जाता ना वो भी अच्छा नहीं लगता, हमारे पास सब चीज है स्टॉक। ओके ओवर क्रोमिंग भी अच्छा नहीं लगता किसी, इनके पास है सब कुछ, मुझे मैंने नहीं। अब बैक प्रोफाइल दिखाता हूँ। ओके बैक प्रोफाइल दिखाते हैं एक बार, ये रहा अपना बैक प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल में देख रहे हो क्रोम लाइन, नीचे हमने क्रोम इंस्टॉल कर दिया। ओके नीचे की स्किड प्लेट जो है। सो बैक प्रोफाइल में तो हमने आपको दिखा दिया ये क्रोम और नीचे की स्किड, जो भी आपको दिखा सब मेरे यहाँ से हुआ, बस एक अलॉय मेरे यहाँ से नहीं हुआ। okay. मैं ये नहीं बोलूंगा अलॉय मैंने किया। okay. अलॉय भाई साहब ने खुद लेकर के आया था कंट्रोल बाग से, और अपना अगर भाई को चाहिए तो मैं अवेलेबल करूँगा।
अवेलेबल करवा दोगे? बिल्कुल। ओके, बाकी एक टेल लैंप्स भी अपनी अपग्रेड हो सकती थी। हाँ, यहाँ पे अपने मैट्रिक्स वाला आता जो मैं हमेशा वीडियो में दिखाते आ रहा हूँ। ओके, तो इसमें अपना सीक्वेंशियल इंडिकेटर होता है बस, और कुछ फर्क है नहीं। मैं अंदर से अंदर क्रोम था इसमें, मैंने इसलिए चेंज नहीं करवाया। ओके भैया, कभी काफी माइंड चल रहा कि ये रहने दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, अपने हिसाब से गाड़ी तैयार करवा देंगे। ओके, तो अंदर से क्या क्या कर रहा है इसके अंदर? मेरे को लग्जरी नहीं चाहिए, मेरे को लग्जरी से भी ऊपर चाहिए। ओके, अंदर से दिखाते हैं, अब अंदर से क्या क्या कर रहा है हमने इसके अंदर। गेस करो इसमें क्या है। ये देख सकते हैं, ये अपना पियानो हो गया, ये टॉप मॉडल की हो गया। ओके, ये टॉप मॉडल की हो गया। ओके, लीवर टॉप मॉडल की हो गया। ओके, पर ये ऊपर हो गया। ओके, ये पियानो करा हुआ है। हाँ, ये टॉप में नहीं आता। ओके, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन हाँ। लग रहा है पियानो और के साथ। इधर देखोगे आप, इसके अंदर जो मैट मैंने डाला है। ओके, मैट की क्वालिटी देख सकते हैं, है कुछ तो काफी प्रीमियम क्वालिटी के मैट लग रहे हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है ये मैट की, लाजवाब क्वालिटी है। सीट कवर देखो के हिसाब से ना, गाड़ी की मैचिंग के, सीट कवर के कॉम्बिनेशन कलर वालर के हिसाब से मैचिंग से बनवाया सीट कवर इसके, स्पेशली सी के बनवाया और बहुत कंफर्ट है, बहुत सॉफ्ट मैच। ओके, और बाकी सीट कवर देखो, ये दिखाओ ना, लग्जरी से भी ऊपर, यानी सुपर से भी ऊपर। ये रहा, आज वीडियो है हमारे भैया ही बोले, क्योंकि खुशी इतनी है भैया को। तो ये देख सकते हैं ये वाला पार्ट पूरा। टॉप मॉडल में ना सिर्फ ये आता है, मैं पियानो ये आता है, सिल्वर ये आता है बस। सिल्वर नहीं, सिल्वर मैंने किया था नहीं। हाँ, इसमें अब मैंने किया ZTL में आता है ये। हाँ, इसमें उसमें, लेकिन इसमें क्या है, ZTL से ऊपर है, सुपर हाँ, से ऊपर है, है। हाँ, इसमें ये भी पियानो है, कप होल्डर भी है। ओके, मतलब ये पूरा पोर्शन होल्डर भी पियानो है। हाँ, और ये सॉफ्ट टच भी कर दिया हमने, ये सॉफ्ट टच कर दिया मैचिंग वाला। हाँ, आने वाला टाइम इसमें काफी चेंजिंग मिलेगा आपको। ओके, हाँ कुछ अलग ही चेंजिंग आने वाला टाइम में मिलेगा। अब भैया ने सेंसर ले आए थे, फिटिंग कर दो यार फ्रंट में, सेंसर फिटिंग कर दो, दुनिया तो कर रहा है, ये कर दो, मतलब भैया ये हम नहीं करते। ये तो बैक वाला लग रहा है। हाँ, ये देखो मैंने कौन सा किया। ओके, तो स्पेस रहता ही है फॉग लैम्प के नीचे, होल ये रहा, कहाँ है स्पेस। ओके, गायब हो गया, गायब हो गया। तो जो यहाँ होल आता है वहाँ आपने ये ओरिजिनल सेंसर अंदर मैंने फिटिंग किया है, अभी एक्टिवेट नहीं किया हूँ, इसकी एक्टिवेशन जिस दिन कंपनी से हो जाएगा उस दिन मैं। ओके, सून अगर एक्टिवेट होगा तो हाँ, काम आ जाएगा भैया का। स्टूडियो रिवर्स कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, सेंसर एक्टिवेट होता है स्टूडियो के अंदर, से उस दिन में आगे से काम करेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करा, जिस दिन सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे उस दिन हमारा भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अंदर से और क्या कुछ काम करा था? बस स्टूडियो में सीट कवर अपने जेन्युइन वाले थे। हां हां, ओके, अभी आफ्टर मार्केट कुछ कर रहे हो इसमें? अभी नहीं। ओके, अभी आफ्टर मार्केट कुछ लाए नहीं है इसमें। ये रूफ रेल हमारा टॉप मॉडल वाला, ये टॉप मॉडल वाला जो हमने बिफोर दिखाया था, जो ब्लैक था पहले। हाँ, और स्टीयरिंग कवर की फिटिंग आप देख सकते हो, तो देख सकते हैं इसकी स्टिचिंग बिल्कुल OEM फिनिश में दी है। और इसमें एक एम्बिएंट लाइट भी तो लग सकती थी। हाँ, बिल्कुल लग सकती थी, अगर लगवाना चाहे। काफी चीज लग सकती है, जैसे कर्टन देखो, महिंद्रा की ओरिजिनल है। ओके, ओरिजिनल काफी चीज इस पे लग सकती है। ओके, और बाकी आने वाला टाइम में वीडियो में मैं अलग अलग चीज दिखाने वाला हूँ, कुछ हटके चीज आने वाला हूँ। ओके, एन के लिए काफी चीजें आने वाली है, बहुत है अपने पास, हमारे पास सारा चीज अवेलेबल है, आइटम है, फुटरास वुटरास अपना, स्पॉइलर, रूफ रेल हो गई, डोर वाइजर हो गए, अलॉयज भी अवेलेबल है हमारे पास, वो भी ले सकते हैं हमसे। ओके, अलॉयज, बाकी जिस भाई को काम करवाना हो वो बिल्कुल तसल्ली पूर्वक आ सकते हैं हमारे यहाँ पे, जिसको तसल्ली से काम करवाना, जिस भाई को, अब वो डिस्काउंट वगैरह वाली बातें अगर होता है तो फिर बात हम लोग वो नहीं करते, हम क्वालिटी वाले काम करके। आप भी देते हो क्या डिस्काउंट वगैरह? अब डिस्काउंट क्या देंगे सर, कंपनी से 10% सबको मिलता है, अगर वो उसमें डिस्काउंट ही कर दिया तो फिर हम खोल के क्यों बैठेंगे, इतनी बड़ी गैरेज काम क्यों करेंगे। वो एक लालच दिया जाता है कि 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, उनकी बोला बिलिंग चेक करा दो, 10% डिस्काउंट आता है। नहीं, भैया ने भी देखा होगा डिस्काउंट वाली, आपने भी कुछ कुछ देखा होगा, डिस्काउंट ना वहाँ मिलता जहाँ माल नहीं बिकता। ओके, डिस्काउंट यहाँ पे क्वालिटी फिट मिलेगी आपको, क्वालिटी चाहिए तो डिस्काउंट नहीं देखना होगा, जो होगा क्वालिटी काम के ऊपर। डिस्काउंट अगर आप बोलते हो तो मैं आपको बाजार से मैं कंपेयर कर दूंगा, बाजार में जो आपको डिस्काउंट वाली चीज मिल रहा है बिना डिस्काउंट की चीज मिलेगा, ये नहीं है कि डिस्काउंट बोल के दूंगा, ऑलरेडी है डिस्काउंट। और बाकी तो भैया बता देंगे, भैया ने मार्केट में सर्वे किया, हमारे पास भी आया, मैंने डिस्काउंट लिया, मैंने बढ़िया काम किया मुझे तो। ओके, डिस्काउंट बढ़िया काम चाहिए तो इधर आओ भैया। ओके, मतलब एक अटेंशन ग्रैब करना ही है डिस्काउंट बोल के, वो डिस्काउंट करके बुलाने वाली, जो सेल लगा, सेल बाजार में नहीं होता, जो राय पे जो सेल लगा दे 50% डिस्काउंट वाली बात है, अलग होता है, क्वालिटी चाहिए तो डिस्काउंट नहीं होता। ओके, तो यही हमारा काम था आज का, तो भैया से एक बार जानते उन्हें काम कैसा लगा। हाँ, बिल्कुल जेन्युइन वाला। इस गाड़ी में आपका कुछ भी आफ्टर मार्केट चीज लगा?
सीट कवर तक सब कुछ जेनुइन है, महिंद्रा जेनुइन, मैट भी एक क्वालिटी वाला डाला गया, कुछ ये नहीं कि नॉर्मल मैट ऐसे बिछा दिया। जहाँ पे महिंद्रा वाले स्टीयरिंग को वो करवाते हैं ना, स्टिचिंग करवाते हैं, वहीं बिछवाया था भैया ने ये स्टीयरिंग मशीन पे फिट हो गया है। ओके, स्टिचिंग तो हमारी हर गाड़ी में OEM जैसी होती है, फिनिश में होती है। बाकी भैया आप कहाँ से ट्रैवल करके आए हो? मैं पानीपत से। कैसे पता लगा था आपको ये ऑटो भाई? मैं YouTube पे देखता था, चमुंडा भाई इस फेमस, देखा था मैंने कि भाई सारी चीजें जब जेन्युइन है, एक एक चीज भैया ने खोल के देखी जेन्युइन है तब लगवाई। मतलब फेयर का कहने का मतलब भैया का, और महिंद्रा जेन्युइन बोल रहे हो तो महिंद्रा जेन्युइन ही लगाओ। ओके, तो हमारे पास यही चीज की क्वालिटी है कि जो चीज जेन्युइन बोलते हैं वो जेन्युइन ही मिलेगी, और जो आफ्टर मार्केट बोलेंगे वो आफ्टर मार्केट ही मिलेगी। जैसा वीडियोस में शो हुआ वैसे ही काम था यहाँ? हाँ बिल्कुल, ऐसा तो नहीं हम बुलवा रहे हो आपसे? नहीं 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 नहीं, मैं तो कोई ऐसे नहीं है, दिखावा कर रखा है, जैसा है नेचुरल है बिल्कुल। ओके, बिल्कुल नेचुरल रखी हमने स्टार्टिंग से वीडियो, बिल्कुल नेचुरल रखी है। अगर रेटिंग की बात करूँ 10 में से कितनी दोगे? 10 में से 11 नंबर होते तो मैं दे ही देता, मतलब 10 में से 10 ही मिल सकते, 11 ही मिल रहे आजकल 10 में से ओवर मार्क्स। तो बस मेरे को बस यही चाहिए कि कस्टमर जो भी काम करवाने आया बस खुश होकर के जाए, हमारे यहाँ से कोई नाराज होकर के ना जाए। और जिस भाई को सिर्फ अगर एक फॉग लाइट लगाना हो या एक छोटी छोटी काम करवाना हो तो फोन करके आए मेरे पास। ओके, पूछ के आए कि भैया टाइम है या नहीं है, यहाँ पे जो भी होता है बुकिंग गाड़ी होता है, टाइम से हम काम करते हैं, टाइम टेबल काम करके हम जाते हैं। Okay. कोई जगह नहीं है कि 10 गाड़ी आ गया तो रोड पे खड़ी कर दो, मतलब अपॉइंटमेंट लेके ही आए, अपॉइंटमेंट लेकर के आए, बाकी आप कॉल करके आ सकते हैं, अगर हम खाली है तो बुला लेंगे, नहीं है तो हम आपको कल की डेट देंगे, परसों की डेट देंगे, जो भी था मेरे को कॉल करके आओ, तसल्ली से काम करवाना है तो, अगर जल्दीबाजी काम करवाना तो आप। ओके, तो यही थी अपनी आज की वीडियो, आई होप सो अच्छी लगी होगी, ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।